भाजपा सड़कों पर, 5 विधायकों सहित सांसद ने किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। रीवा शहर का शिल्पी चौराहा गवाह बना भाजपा के प्रदर्शन का। यहां पर दोपहर 2 बजे भाजपा विधायक अपने सांसद के साथ आधम की। उनके साथ रही शहर की प्रथम नागरिक व कुछ गिने चुने नेता। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा द्वारा आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम की। हम आपको बता दें, भाजपा ने पूरे प्रदेश में सोमवार दोपहर का वक्त चुना था कानून व्यवस्था के बिगड़े हालात पर प्रदेश के मुखिया कमलनाथ का पुतला दहन का। बड़े नेताओं की भीड़ पर आम कार्यकर्ताओं का अभाव जरूर नजर आया, लेकिन आम कार्यकर्ताओं की कमी पूरी की वरिष्ठ नेताओं ने जोरदार नारेबाजी करके। मुख्यमंत्री के पुतला दहन में जरूर पुलिस मुख्य दर्शक की भूमिका में नजर आई। मुख्यमंत्री का पुतला जलता रहा, नारेबाजी होती रही। भाजपा विधायकों ने कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, वक्त है सरकार चेत जाए, बिगड़ती कानून व्यवस्था को तत्काल सुधारने के लिए उचित कदम उठाए। रीवा दर्शन ने रीवा सांसद सहित उपस्थित विधायक महापौर से बातचीत की। जनता पार्टी सड़कों पर, यहाँ सांसद सहित कई विधायक उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज वो यहाँ पर शहर के व्यस्ततम बाजार पर क्या कर रहे हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार प्रतिशोध की भावना से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ विधायक भी हैं, उनसे बात करें। क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई प्रतिशोध के साथ काम हो रहा है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस सरकार अपना रवैया नहीं बदलती और ठीक से काम नहीं करेगी तो काफी उग्र आंदोलन। प्रतिदिन बहनों बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, हत्याएं बदले की भावना से हो रही है, पुलिस उनकी अनियंत्रित है, सुरक्षा व्यवस्था कहीं हो नहीं रही है, चोरी डकैती हत्या लूटपाट का बोलबाला है चारों तरफ। हमारे मंडल अध्यक्ष का, हमारे अध्यक्ष की जो ये निर्मम हत्याएं की गई हैं, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये हत्याएं की गई हैं, बदले की भावना से की गई है। यदि ये कमलनाथ सरकार होश में नहीं आती, नियंत्रण नहीं करती, अपना रवैया नहीं बदलती, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा के रख देगी। कांग्रेस सरकार अपना रवैया नहीं बदलती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे साथ महापौर जी भी हैं, हम उनसे जानेंगे। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के बीच में, इस अल्पकाल के बीच में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ताओं की जिस तरह निर्मम हत्या की जा रही है, इसके विरोध में सरकार का पुतला दहन किया गया है। और हम ये मानते हैं
कि आपातकालीन मानसिकता और तानाशाही रवैया ये कांग्रेस के डीएनए में है और ये इसको छोड़ नहीं पा रहे। आपातकालीन रवैया कांग्रेस के डीएनए में, आप यूं हैं क्या? जब से मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 महीने से कांग्रेस की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था तहस नहस हो गई है। पूरे प्रदेश के अंदर रोज आए दिन लूट मार डकैती, यहाँ तक कि रीवा के अंदर जो इतना शांत शहर था, इस 1.5 महीने के अंदर कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके अपराधी पकड़े नहीं गए। इस तरह से अभी ये अंतर समझ में आ रहा कि जब गरीब का बेटा मुख्यमंत्री होता है और एक उद्योगपति मुख्यमंत्री होता है तो क्या अंतर होता है। गरीब के बेटा जब मुख्यमंत्री था, मध्य प्रदेश के अंदर गरीब सुरक्षित था, आज गरीब सर्वाधिक पैसा जा रहा है, गरीब के ऊपर सर्वाधिक अत्याचार हो रहे हैं, गरीब सर्वाधिक पैसा पीसा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था कांग्रेस सरकार दुरुस्त करे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद हूँ।